क्या हुआ? बाहर सबको खाना तो मिल रहा है ना, ठीक से स्नैक्स तो पहुंच रहे हैं। आप मेरे साथ जल्दी चलिए। चलिए। क्या हो गया? बाहर हॉल में प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसमें पृथ्वी के खिलाफ सबको एक साथ सबूत दिखाया जा रहा है। कैसा सबूत? पृथ्वी के शादी का सबूत। अब तुम देखोगे पृथ्वी कि हम क्यों तुमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम हमारी कृतिका के लायक नहीं और तुम्हारी शादी कृतिका से कभी नहीं हो सकती। समीर, दिखाओ सबको। जी। देखिए, देखिए आप सब लोग, पृथ्वी दूल्हा बना हुआ है। क्या हुआ? ऐसे घूर के सबको क्या देख रहे हो? तुम ही हो ना फोटो में, तो बोलो कहाँ की फोटो है? किससे शादी हो रही है तुम्हारी? दुल्हन को देख नहीं पा रहे हैं हम क्योंकि सबूत जलाने के चक्कर में किसी ने ये फोटो जला दी। तो तुम ही बता, कौन है ये लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुई है? पृथ्वी, तुम चुप क्यों खड़े हो? बताओ, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ जो लड़की है वो कौन है? बोल पृथ्वी, लड़की कौन है? पृथ्वी, तो सब लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। I don't believe this. इतना बड़ा धोखा हम सबको, मेरी बेटी को। तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, पर तुमने शादी कब की? जवाब दो पृथ्वी मल्होत्रा, तुम्हारी शादी कब हुई? ये सब जो पता लगाना चाहते हैं, क्या तुम भी वो पता लगाना चाहती हो? क्या तुम्हारा भी यही सवाल है कि ये शादी मैंने कब की? It's really important for me to know कि तुम क्या जानना चाहती हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम भी कृतिका से क्या पूछ रहे हैं? हम सब तुमसे पूछ रहे हैं, हम सबको जवाब चाहिए। हमसे बात करो, कब की तुमने शादी और ये लड़की कौन है? पृथ्वी, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तुम हमारे कृतिका के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बहन के खिलाफ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखना। मैं पुलिस को फोन करके आया था, बुलाओ। अब इसको पता चलेगा धोखेबाजी कैसे होती है। सो मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, धोखे से शादी करने के जुर्म में 496 ऐसी लगेगी ना कि 7 साल जेल में सड़ते फिरोगे तुम। शादीशुदा होने के बावजूद भी कृतिका से शादी करने चले थे। ये गलती नहीं, ये गुनाह कर रहे थे तुम। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस एक बात बोलूंगा मैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। नहीं हूँ मैं शादीशुदा। झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ नहीं। इसने हमें उल्लू बनाया, अब इस परिवार के लोगों को भी उल्लू बना रहा है। झूठ बोलने की सजा मिलेगी पृथ्वी। कृति मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तुम्हें याद है जब पहली बार हम दोनों शादी करके दूसरा हाउस में आए थे, उसी वक्त मैंने तुमसे कहा था ना कि सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, कहा था ना मैंने तुमसे। और रियली तो अभी तुम ये बोलोगे ये फोटो भी नकली है? Will you please keep quiet? मैं कृतिका से बात कर रहा हूँ। कृतिका, tell her to keep quiet. Listen, सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कृति कि एक मौका मिलना चाहिए मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का सबके सामने? सिर्फ एक मौका। अरे रहने दो, तुम बाद में साबित करते रहना। अब ये जो सब तुमसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये लड़की कौन है, किससे हुई है तुम्हारी शादी? ये शादी का मंडप है ना, दूल्हा बन के बैठे हो ना तुम ही हो ना इस फोटो में। सारा लूथरा परिवार तुमसे एक सवाल कर रहा है कि किसके साथ हुई है ये शादी तुम्हारी, और तुम जवाब नहीं दे रहे हो। क्योंकि तुम भी जानना चाहती हो, आई नीड टू नो कि तुम भी जानना चाहती हो या नहीं। बस हो गई बात खत्म। जब कृतिका कुछ जानना नहीं चाहती तो मैं किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला। तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, अब बहुत हो गया। जितने सवाल पूछने आप सब पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक सवाल का भी जवाब नहीं देने वाला। हाँ नहीं दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो क्या बोलोगे तुम? शादीशुदा इंसान, शादी करके आए हो यहाँ पे दूसरी शादी करने के लिए। हाँ हूँ मैं शादीशुदा, खुश। मेरा बोलने का मतलब है इतने गंदे इंसान को मार के अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो? प्रीता, मैं भी शादी के अगेंस्ट थी। मैंने कृतिका से कहा था, कृतिका मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इस इंसान से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ जी, मैंने कृतिका से कहा था, मैंने आपसे भी कहा था कि आप कृतिका और पृथ्वी की शादी क्यों करा रहे हो। और ऋषभ जी, आप इस गंदे इंसान को मार के जेल चले गए तो मेरा क्या होगा, हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकती। और मैंने आप सब लोगों को ये बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर में झगड़ा हो। आप ऋषभ जी से पूछ लीजिए। पृथ्वी, तुम्हारा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हें पुलिस में देने से पहले मैं सजा दूंगी। जल्दी से कोई बहाना बनाओ। Mom, it's okay, Mom, it's okay, relax. आप टेंशन मत लो, आपका बेटा अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित कर देगा। आपके बेटे ने कुछ नहीं किया ना। एक बार मेरी मॉम के बारे में तो सोच लिया होता सबने, इनकी उम्र का लिहाज कर लिया होता। जरा सोचिए आप लोग, एक माँ के सामने उसके मासूम बेटे की बेइज्जती, एक माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। अगर मेरी मॉम को शॉक लग गया, जोर का झटका लग गया और इन्हें हार्ट अटैक। बोल बोल के थक गई इस नालायक को। इस चुड़ैल का साथ छोड़ दे। इसने तो नहीं छोड़ा, पर शर्ली ने तो फोटो में भी इसका साथ छोड़ दिया। दोनों की शादी की फोटो मिली भी तो जली हुई, और उसमें भी बस इस चुड़ैल का चेहरा ही जला हुआ है। कुछ लोग चल के मर जाते हैं, ही चल के बच गई। मेरा पृथ्वी, अब इसका क्या होगा? It's okay, Mom. It's okay. कृति, कृति listen. एक बात बताओ, सच सच बताना ओके? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? देखो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना तुम्हें, वो सच है और सच के सिवाय और कुछ नहीं। हूँ मैं शादीशुदा। सिर्फ तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, सिर्फ तुमसे। अगर आप शादीशुदा हैं और सिर्फ कृतिका के साथ शादी की है आपने, तो ये फोटो में कौन है? ये कृतिका तो नहीं लग रही, कोई और लड़की है। तो सबको बताइए ना कि ये लड़की कौन है। आंटी जी, बात बोलो। मेरी कहानी सुनने के बाद ना इन सबसे पहले आप ही मुझसे कहेंगे कि पृथ्वी बेटा, तू सही है। तूने जो भी किया ना बेटा, सही किया। ओए छठे यार, तब से एक ही बात बोले जा रहा है। वो सबको चक्कर में डाल रहा है क्या? हम सब बेवकूफ खड़े हैं इधर, हाँ? घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा है काके? अरे बोल ना, जो बोलना है साफ साफ बोल। तब से बोले जा रहा है बोलता हूँ और जल्दी बोल। क्या तुम भी सुनना चाहती हो जो ये सब सुनना चाहते हैं? ती मुझे जो बोलना था मैंने तुमसे बोल दिया, सच सच बोल दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ, सिर्फ तुमसे। लिसन, मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हें याद है चंडीगढ़ में जब मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था, उसी वक्त मैंने तुमसे पूछा था, जब हमारी जल्दबाजी में मजबूरन शादी हो गई थी, उसी वक्त मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इस शादी को मानती हो या नहीं मानती हो। मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था कि अगर तुम इस शादी को नहीं मानती हो तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं मानूंगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, राइट? तुमने कहा पृथ्वी जी मैं शादी को मानती हूँ, सो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि तुम इस शादी को मानती हो, इसी वजह से मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ शादी को। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। पर यहाँ पर तुम्हारे सिवाय और कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे प्यार करता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। पर इन सब की नफरत के पीछे एक वजह है। वजह जानना चाहती हो तो कि ये सब मुझसे क्यों नफरत करते हैं? सरला आंटी, प्रीता जी, सृष्टि और जानकी आंटी की वजह से करते हैं, क्योंकि ऐसे कई मौकों पर ना मैंने इन लोगों के साथ बदतमीजी की थी, जिसके पीछे भी एक वजह थी। कृति, अपने भाइयों से पूछो, दोनों भाइयों से, कि जब एक लड़का एक लड़की से सच्चा प्यार करता है, पागलों की तरह प्यार करता है, उसी लड़की को उस लड़के की जिंदगी से ठोकर मार के, धोखे से अगर बाहर निकाल के फेंक दो तो कैसा फील होगा? मुझे भी वैसा ही फील हो रहा था। उस वक्त एक इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, एक लड़का कैसे रिएक्ट करेगा? मैंने भी वैसे ही रिएक्ट किया। क्या गलत किया मैंने? Listen, मैं किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि इन सब लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, बहुत बदनामी हुई है मेरी। यहाँ पर कोई चाहे जो पूछ ले, मैं जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो। जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए वो यहाँ पर किसी ने भी नहीं दी सिवाय तुम्हारे। तो मेरे लिए बस तुम मैटर करती हो, मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम मेरा विश्वास करती हो या नहीं। तो बताओ, क्या तुम अब भी जानना चाहती हो कि इस फोटो का सच क्या है? मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है? क्या तुम अब भी जानना चाहती हो? ये कितनी साइलेंट मोड पे रहती है, इसीलिए तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। कितना सही सोचता था मैं, पूरी दुनिया क्यों ना मेरे खिलाफ हो जाए, पर ये लड़की मुझसे शादी करके रहेगी। ओह गॉड, सेम बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? कि अगर कृतिका जानना चाहती है तो बताऊंगा। हम लोग तुम्हें नजर नहीं आ रहे क्या? हम सब जानना चाहते हैं। हाँ कृतिका, तुम्हारे पूछने पे बोलेगा ना ये सिर्फ, तो तुम ही पूछो। जानना नहीं चाहती हो कि किससे शादी करके आया है? पुत्र क्या हो गया तुझे? पूछती क्यों नहीं इससे? नहीं पूछेगी ये। आपको पता है क्यों? क्योंकि कृति मुझ पे विश्वास करती है। मैंने जो भी कहा हर एक शब्द पे ये विश्वास करती है। और आप लोग मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मत पूछिए आप लोग मुझसे सवाल, क्योंकि मैं आपके एक सवाल का जवाब नहीं देने वाला। आप ही लोगों ने कहा था ना कि ऑफिशियली आप मुझे अपना दामाद नहीं मानते, तो जब आप लोग मुझे अपना दामाद नहीं मानते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप एक भी सवाल मुझसे पूछें। तो अब आप जितने भी सवाल पूछना है पूछिए, क्योंकि मैं एक जवाब नहीं देने वाला। पृथ्वी जी, सही बोला आपने। भरोसा करती हूँ मैं आप पे, भरोसा करती हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो अपनी कृति को बताइए प्लीज, कौन है वो लड़की? मुझे बताइए पृथ्वी जी, मैं आपका साथ दूंगी। सच बताइए कौन है वो लड़की? अब बोलोगे कि अभी भी जवाब नहीं है तुम्हारे पास? कृतिका पूछेगी तब बताऊंगा। अब पूछ लिया ना कृतिका ने, अब तो बताओ, बताओ सबको क्या चल रहा है ये। I just can't believe this. पता नहीं क्या हो गया था मुझे, तुम्हारी बातों में आ गई मैं। कितना भड़काने की कोशिश की तुमने मुझे। क्या कह रहे थे? डिवाइड एंड रूल, ये सब तुम्हारी पॉलिसीज़, यही करना चाहते थे ना तुम इस घर में आके हम सबको डिवाइड करके दूसरा फैमिली पे रूल करना चाहते थे, राइट? एक बात कान खोल के सुन लो पृथ्वी मल्होत्रा, ये लूथरा फैमिली है। हम सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे तुम डिवाइड एंड रूल नहीं कर पाओगे, समझ गए तुम? अब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है? कृतिका ने मुझसे जो पूछा मैंने उसे बता दिया। कितनी बार मैं एक ही बात बोलूं? मैंने बता दिया कृतिका को कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कृतिका से। एक मिनट, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस फोटो में जो बंदा मंडप में बैठा हुआ है वो तुम नहीं हो, कोई और है? नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ। वो फोटो भी असली है, और फोटो में जिस दूल्हे को देख रहे हो आप लोग वो मैं ही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये इसी की। कीप क्वाइट, बीच में बड़बड़ मत करो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सो ये फोटो जिस जगह पे ली गई थी उस जगह का नाम है शुभ मंगल मैरिज हॉल। और कुछ जानना चाहते हैं आप? दो बातें क्यों कर रहे हो? अभी तुमने कहा ना कि तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर तुमने कहा कि तुम शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आप कृतिका से शादी कैसे कर सकते हो? और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो वहाँ फोटो में कौन बैठा है? आप ही बैठे हो, और आपके साथ जो लड़की बैठी है वही आपकी पत्नी है ना। आप सबको सच सच क्यों नहीं बता देते? आंटी जी, ये फोटो असली है, पर इस फोटो में जो देख रहे हैं आप वो सच नहीं है। सच सिर्फ ये कि मैं कृतिका के साथ शादीशुदा हूं, इस लड़की के साथ नहीं, इस दुल्हन के साथ नहीं जो इस फोटो में है मेरे साथ। जो सच है वो अब मैं आपको सुनाऊंगा। अब, एंड दिस इज जस्ट फॉर यू कृतिका। देखिए, आप सब लोग इस फोटो की सच्चाई जानना चाहते हैं ना, मैं बताता हूं। ये फोटो आज से 7 साल पहले शुभ मंगल मैरिज हॉल में ली गई थी। शुभ मंगल मैरिज हॉल, जहाँ पे मेरे दोस्त की शादी हो रही थी, जहाँ पे उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक हमें पता चला कि मेरे दोस्त के मॉम डैड, उसका पूरा परिवार उस शादी के खिलाफ है। और उस शादी को रोकने के लिए उसके परिवार वाले छुरी चाकू लेकर वहां पहुंचने वाले हैं, ऑनर किलिंग करने के लिए। ऑनर किलिंग कितना बड़ा गुनाह है आप लोगों को पता है। तो मैंने एक सच्चे दोस्त की तरह उस दूल्हे के कपड़े पहने और उसकी जान बचाने के लिए कुछ वक्त के लिए मंडप में बैठ गया। क्या गलत किया? मैंने दो मोहब्बत करने वालों को मिलाया ताकि उनकी शादी स्मूथली हो जाए, कोई रुकावट ना है। थोड़ी देर बाद उसके परिवार वाले आए वहां पर छुरी चाकू लेकर। उससे पहले ही मैंने दुल्हन के सिर पे घूंघट ऐसे उसे छुपा दिया था मैंने, ताकि वो लोग दुल्हन को देख ना पाए। देखिए इस फोटो को गौर से, देखिए कहीं पे मेरी हंसी नजर आ रही है किसी को? आप लोग फोटो देख के मेरी बदनामी कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, पर ये नहीं दिखा कि कितना डरा हुआ हूं मैं वहां पर। इल्जाम लगाना बहुत इजी होता है। बस किसी तरह मैंने अपने दोस्त की शादी करवा दी, क्योंकि जब उसकी फैमिली वहां आई, उन्होंने देखा कि दूल्हा बनकर मैं बैठा हुआ हूं, तो वो लोग वहां से चले गए। और फिर मेरे दोस्त ने फिर से अपनी जगह ले ली, यानी कि दूल्हे की जगह ले ली। तो इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, फोटो असली है, पर उसके पीछे की कहानी ये है, सच ये है